कैसे हो मेरे एनसीआर की पब्लिक। और आज करेक्ट 9 तारीख है और मैंने ये व्लॉग में वैसे सुबह स्टार्ट करने वाला था, बट सुबह में क्या था कि जो मेरा कल का व्लॉग था वो मुझे एडिट भी करना था प्लस अपलोड भी करना था और भी इधर उधर के थोड़े बहुत काम थे वो फिनिश करने थे, तो उस चक्कर में मैं वो कर नहीं पाया। तो अभी लगभग बज रहे हैं शाम के 5:49 हो रहे हैं और अभी जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि वैसे ब्लॉग में दोपहर का टाइम स्टार्ट कर देता लेकिन मेरे पास डेटा पड़ा था उसको मुझे रेडी करना था, मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड मारना था। मैं दिखाता हूँ आपको क्या था ये वीडियो, लगभग 2 या 2.5 घंटे की है। कम से कम 1 घंटे पहले मैंने इसे रेंडर पे लगा दिया था और अभी भी 2-2.5 घंटे अभी भी ये रेंडरिंग का टाइम और दिखा रहा है, मतलब वही 3-4 घंटे में भी रेंडर हो जानी चाहिए। मैंने सिस्टम में रेंडर इसलिए नहीं करा क्योंकि UPS की जरूरत पड़ जाती है, लाइट भग जाए गलती से भी तो मैं इन्वर्टर पे नहीं चला। जो मैंने लेफ्ट हैंड में कल वैक्सीन लगवाया था तो कल तो बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था, लेकिन आज के दिन ना मतलब मेरे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, मतलब थोड़ा हाथ वाथ हिलाने में थोड़ा महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ हुआ है, या तो कहीं ऐसा ना हो कि गलत हाथ में वैक्सीन मार दियो या फिर गलत नस में मार दियो। इंजेक्शन लगवाते टाइम पेन नहीं होता, उसे कुछ टाइम बाद होता है। ये चीज़ मैंने अभी फील करी है, मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ। गाइस मैं दिखाता हूँ आज का व्यू। आज ना धूप कम है, अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम नहीं है, गर्म है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कितना ही ठंडा मौसम होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बालकनी में आके मुझे बहुत ज़्यादा ठीक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जैसे बालकनी में बाहर जाता हूँ ना मैं, तो देखो मुझे क्या देखने को मिलता है। ये जो पेड़ है ये लगभग 20 साल पुराना है। जब हम सन 2000 में हम यहाँ पर आए थे तो उस टाइम ये पेड़ हमारे सामने एक अंकल ने लगाया था, वो यहाँ पे किराए पे रहते थे तो भी वो कहीं और रह रहे हैं, तो उनका जो पेड़ है उसको मैंने बहुत संभाल के रखा, काफ़ी अच्छा पेड़ लगता है मुझे। इस पर हम चढ़ के खेला करते थे, मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में या सेकंड ब्लॉग में बताया भी होगा इस पेड़ पे हम कैसे चढ़ते थे, कैसे खेलते थे। कैसे हो मेरे NCR के पब्लिक। अगेन शाम को 5 या 6 बज रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर फ्लैग्स, छत पे वापस फुटबॉल खेल रहा है और आज के दिन भी मौसम बहुत ही अच्छा है। ऐसे लग रहा है जैसे कितना ठंडा ठंडा मौसम हो, आसमान को भी देख के फील हो रहा है, लेकिन उमस से भरी हुई हमारी जिंदगी। जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से मैं उमस ही देख रहा हूँ, ठंडा मौसम तो देख ही नहीं रहा। यह है हमारा हाल दिल्ली NCR का। मैंने आज मेरे दिमाग में आया कि हमारे नंदग्राम गाजियाबाद दिल्ली NCR में केवल फर्स्ट ब्लॉगर मैं ब्लॉग कर सकता हूँ। हमारे दिल्ली NCR में एक NCR ब्लॉगर नाम से है, वो बुलेट से ब्लॉग करता है, वो बंदा मोटो ब्लॉगिंग करता है। मोटो ब्लॉगिंग हम भी कर सकते हैं बट उससे पहले मुझे कोई एक्शन कैमरा लेना पड़ेगा। मे बी आने वाले 2-3 या 4 महीने बाद मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, हम भी छोटी मोटी राइड पे निकल जाया करेंगे शाम के टाइम या सुबह के टाइम, और ये सोच के बहुत ही अच्छा लगता है। यस आई एम ऑल्सो ब्लॉगर, जो मैं काफ़ी साल पहले से मैं करना चाहता था वो मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं हो पा रहे थे, कभी किसी चीज़ की कमी, कभी किसी चीज़ की कमी, मोस्टली ये सारी चीज़ें ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो रही थी। और धीरे धीरे करके मैंने सारी चीज़ें जमा कर ली है, अब मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। लिटरली मुझे कम से कम 3 साल लगे हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। करना मैं बहुत पहले से जाता था बट मैं नहीं कर पा रहा था, मैंने पहले भी कई बार कोशिश करी थी बट नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल कुछ लोगों की वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अगर मैं ये सब पहले से नहीं करना चाहता था ना तो 3 साल वेट किया मैंने। 3 साल में तो मतलब कोई बंदा कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसको मूड चेंज हो सकता है, वो कुछ और भी कर सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से ये चीज़ घुसी पड़ी थी, इसलिए मैं वेट किया, मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट करा, फाइनली आई एम हियर। वैसे जो गाइस मेरा गेम का नाम है NCR Demonster, मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ बट मुझे कुछ डिमोन्स्टर के अलावा कुछ अच्छा सा मिलता है तो मैं चेंज करूँगा, अदरवाइज मैं चेंज नहीं करने का, मैं चाहूँगा ये NCR Demonster ही रहे। गाइस आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ एक लास्ट में एक लाइक और एक कमेंट दीजिएगा। कमेंट ना मतलब इतना अच्छा लगता है पढ़ने में, मैं दिन में 50 बार कमेंट पढ़ लेता हूँ अपने, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि आज क्या इम्प्रूवमेंट है, आज का इम्प्रूवमेंट है। और आज कंटिन्यू मेरा 3रा ब्लॉग आज रिकॉर्ड हो रहा है। आज का ब्लॉग मैं आज रात को मुझे एडिट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक शेड्यूल बना लूँ कि इस टाइम पे कितने बजे ब्लॉग अपलोड होगा, तो इस बारे में डिस्कस करता हूँ क्या टाइम बेटर है ब्लॉग अपलोड करने के लिए। मेरे दिमाग में अभी शाम के 6 बजे आ रहा है क्योंकि शाम के 6 बजे हर कोई फ़ोन हाथ में लेता है, तो
अभी मैंने सोचा है, जस्ट अभी मैंने डिसाइड भी कर दिया, लेकिन मैं एक बार सबसे पूछूंगा जरूर कि क्या टाइम बेस्ट है। जस्ट मैंने अभी नोटिस करा है, कल के दिन कम से कम 15-20 पतंग उड़ रही थी, लेकिन आज आसमान में एक भी पतंग नहीं है। शायद कल ही दुकानों पर नोकी पतंग तो सबने उड़ा लिया, आज एक भी पतंग देखने को नहीं मिल रही है। पता नहीं कल कुछ था क्या ऐसा, सबको पतंग उड़ाना था, आज कोई नहीं उड़ा रहा है। अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है, यानी 2 घंटे या 1.5 घंटे करीब हो चुके हैं, अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है। देखते हैं 1 घंटे में रेंडर वैसे हो ही जाएगा, अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, आधे से ज़्यादा फिनिश हो चुका है। तो इसी के साथ हम अपने आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टाटा बाय, टेक केयर।